सच? वाकई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी जल्दी सब कुछ निमट गया और वो भी इतनी बड़ी रकम। हाँ, मामू जान ने घर के बड़े अच्छे पैसे दिए। माशाल्लाह। अच्छा सुनो नबी, हमारे वो फ्लैट की डील कंफर्म है ना? हाँ हाँ, कंफर्म ही समझो, बस पैसे देने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अरे वो तो हमारे पास आ ही गए। शुक्र है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तंग आ गई थी मैं उस जिंदगी से। सच कहती हो तुम, और मैं भी तुम्हारे बगैर तना रहते रहते थक चुका था, लेकिन अब तुम जो मेरी जिंदगी में आ चुकी हो, अब हम एक मुख्तलिफ सी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, बहुत ही मुख्तलिफ, अपनी मर्जी। वैसे जिंदगी तो तुम अब भी अपनी मर्जी की गुजार रही हो। नहीं नबील, जब भाइयों की शादियां हो जाती है ना, तो उनके तेवर ही बदल जाते हैं। और वो देखो मोना को, ऐसे इतराई भी आती है ना अपने मियाँ के साथ जैसे उफ़ो। हाँ, शौहर का साथ होता ही ऐसा एक बीवी के लिए। पता नहीं क्यों इतने साल तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी। हाँ, मुझे भी एहसास हो रहा है। वैसे इतनी देर भी नहीं हुई नबी। वैसे ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में कब तक आ जाएंगे? परसों तक आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं एजेंट को फोन कर देता हूँ और परसों का अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए ना। फिर ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी। घर में वैसे अपनी पसंद से सेट करूंगी। तुम्हारा जितना ये काट कबाड़ है ना, किसी कबाड़िए को दे दो। तो फिर नए सामान के लिए इतने पैसे बचेंगे? हाँ हाँ भाई, मेरे भाइयों ने अभी मुझे जहेज भी तो देना है। मोना को दिया था, मुझे भी देंगे। ये तो जबरदस्त हो जाएगा, लेकिन एक बार उनसे कंफर्म कर लेना। मेरा मतलब है, खुदा ना खास्ता ऐन वक्त पे वो मुकर जाए। मैं अपने भाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ, कभी नहीं मुकरेंगे। वैसे नबील, मैं सोच रही थी कि हमारा निकाह तो हो चुका है, अभी दोबारा से सबके सामने निकाह, ये ठीक है क्या? ये तो तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं काम करता हूँ ना, आज शाम को ही काजी साहब मिल लेता हूँ और उनसे मशवरा करूंगा और फिर तुम्हें बता दूंगा। बिल्कुल सही। अरे मोना का फोन आ रहा है, उसको अपने साथ लाई थी शॉपिंग के लिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाफिज़। आज़म भाई, वो आप जब दी के लिए पैसे निकलवाने जाएंगे तो ये चेक भी कैश करवा लीजिएगा। आज़म, इसकी क्या जरूरत थी? जितने पैसे मैंने दिए हैं उसमें शॉपिंग हो जाएगी। तो क्या ये सारे फर्ज आपके हैं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर आप ये रख लेना। देखिए, मैं जानता हूँ कि अभी हॉल, फर्नीचर, खाने पीने के भी एक्सपेंसेस हैं, उसके पैसे भी मैं दे दूँ। आसिम, इतने सारे? हाँ, तो दी हमारी बड़ी बहन है और गाहक बनता है पैसों। फारी जानती है तुम इतने पैसे दे रहे हो? मैं उससे क्यों छुपाऊंगा ये बात। उल्टा वो मुझे कह रही थी कि वो खुद अपने अकाउंट से दी को पैसे देना चाहे, लेकिन उसने मुझे सख्ती से मना किया कि दी को ना बताओ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दी को पता चलेगा तो वो पैसे नहीं देगी। अब यकीन करें, रात को वो चीजों की लिस्ट बना रही थी जो दी को जहेज में देनी। उसे बनाने दो लिस्ट।
और हम वही चीजें लेंगे, लेकिन फारी के पैसों से नहीं। ये हमारा फर्ज है, उसका नहीं। खैर मैं कल जाऊंगा नबील भाई के पास उन्हें चेक देने के लिए। मौलाना साहब, बहुत अरसा पहले मेरा एक निकाह हुआ था और वो निकाह हमने घर वालों से छुपा कर किया था। उसके बाद हम दोनों के बीच काफी फासला रहा, लेकिन लेकिन अब हम दोबारा मिल चुके हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, अगर हम दोबारा निकाह करें दुनिया के सामने, तो क्या वो जायज होगा? पहली बात तो ये है कि क्या पहला निकाह बाकायदा शरई तौर पर हुआ था? कहने का मतलब यह है बेटा कि क्या शरई तौर पे इजाब व कबूल हुआ था? जी जी मौलाना साहब, बाकायदा काजी साहब ने पढ़ा था और वो निकाहनामा भी मेरे पास मौजूद है। फिर तो कोई कबाहत नहीं है, आप दोबारा निकाह कर सकते हैं, लेकिन शरई एतबार से आपका पहला निकाह ही शुमार होगा। जी जी, तो आपका कहने का मतलब है कि दोबारा निकाह करने में कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इस दौरान निकाह के फासिद होने की कोई शर्त सामने नहीं है। बेशक। इसलिए जो काफी अरसे पहले आपने पहला निकाह किया था वही कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बस यही पूछने आया था। इजाजत दे। ये ले नबील भाई। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से हो जाए, मुझे अपने लिए घर भी ढूंढना है। क्यों, आप उस घर में नहीं रहेंगे? नहीं, वो घर तो फारिया का है, मैं और फाजिया वहाँ पे क्यों रहेंगे अब? ओ, तो वो घर गया आपके हाथों से? घर तो वैसे भी हमेशा साथ नहीं रहते, बस रिश्तों को साथ रहना चाहिए। तो आप घर कहाँ लेंगे, इतने पैसे हैं आपके पास? जी हैं। हाँ भाई, आपको तो बहनों से डबल हिस्सा मिला होगा। जी नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, वो फ्लैट की चाबी हमें बस कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, तो आयमा के जहेज का सामान आप वहीं भिजवा दीजिएगा। फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ नबील भाई। अरे कहाँ चले, बैठते भाई चाय पीते, वैसे अकेला बंदा हूँ लेकिन मैं अपने हाथों से बना देता। नहीं नहीं, मैं चलूंगा नबील भाई, बस देर हो रही ऑफिस। खुदा हाफिज़।
आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वहाँ स्टेज पे सब पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, आप भी आए? मुझे पिक्चर्स खिंचवाने का कोई शौक नहीं। क्या आपको किसी ने कुछ बोला है? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। और क्या हुआ है मेरे मूड को? ठीक तो है? ठीक है तो फिर चलें। आप जाएं, मेरे बगैर आपकी बहन की रुख्सत ही नहीं हो सकती। कोई भी नहीं है तो शादी का घर लग ही नहीं रहा। क्या मतलब शादी का घर नहीं लग रहा? कोई मेहमान ना बाराती ना कोई सजावट, किसी ने मुझे वेलकम नहीं किया, कोई रस्म नहीं की। अरे अहमा, तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी में वो कजन के अलावा कोई है ही नहीं। मैं ही तुम्हें वेलकम करता हूँ ना। नहीं, मेरा प्रॉपर वेलकम करो, मुझे सारी रस्में चाहिए, मेरा अरमान है भाई, दुल्हन हूं मैं। अरे भाई छोड़ो ना, इस उम्र में अब कौन सी रस्में? क्या मतलब इस उम्र में क्या रस्में? शादी तभी होती है जब रुखसती होती है। मेरी रुखसती आज हुई है, मुझे सारी रस्में करवानी है। मुझे नहीं पता, मेरे अरमान है, दुल्हन हूं मैं। अच्छा अच्छा बाबा, मैं कुछ करता हूं। जी शायदा बाजी, बस शादी से आते आते देर होगी, बहुत माजरत के साथ। आप प्लीज उमर को रियाज भाई के हाथ भिजवा दीजिए, अभी ला नहीं सकते ना। बहुत शुक्रिया आपका। वो नाजमा वो रस्में करना चाहती है। क्या क्या क्या? नई दुल्हन की रस्में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक तो वो पहले मुझे अपने आसपास खटक रही है, अब मैं उसकी रस्में भी करूं? यार जहां इतना सबर कर लिया वहां थोड़ा और सही। बस मैंने कह दिया है, मैं उसके कोई नाज नखरे नहीं उठाऊंगी। नाजमा देख, समझने की कोशिश कर, थोड़ी देर की तो बात है, और जहां इतना सबर कर लिया वहां थोड़ा और सही। मैंने कह दिया मुझसे ये नहीं होगा। ओहो यार, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा यार, क्या चाहती है तू? आ जाना प्लीज, हम इंतजार कर रहे हैं। अरे देखो ना, मुझे देखो। मुस्कुराओ थोड़ा सा, शादी हुई हमारी। मुझे रस्म बहुत ही पसंद है। हो गया, अगली रस्म। अरे ये तो मेरे खानदान में हर शादी में होता है। चलो अब अंगूठी है ना इसमें, चलो हाथ डालो इसमें, अंगूठी ढूंढ। चलो साथ साथ, साथ. 1, 2, 3 मैं जीत गई। अगली रस्म। नबील क्या है, मैं इतनी प्यारी दुल्हन लग रही हूँ तो मेरे को तारीफ भी नहीं कर रहे। अरे तारीफ क्यों नहीं कर रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा जो शर्माते हुए बादल के पीछे से निकलता है। How sweet.
मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? अरे मुंह दिखाई देने के लिए मैं कुछ लेना भूल ही गया। वैसे भी हजार बार देखे हुए मुंह के लिए कैसी मुंह दिखाई। अरे भाई इस तरह घूरो तो मत, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। लो ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या है नबील? ताम सा, कम से कम सोने की चीज तो कोई देते मुझे। अरे मेरी जान इसकी कीमत क्यों देख रही हो? ये सोचो कि पहनने वाले के हाथ पर कैसे लगेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारे हाथ पर तो सोने से ज्यादा हीरे से भी ज्यादा कीमती और नायाब लगेगा। अब पहन के तो दिखाओ।